फैन आज का टॉपिक है फैन एंड ब्लोअर। ये BEE का बुक 3 से लिया गया है, उसमें चैप्टर 5 है फैन एंड ब्लोअर। इसमें फैन ब्लोअर में देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्ट, ये बुक को जब ओपन करोगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है, फैन टाइप्स दिया है, उसका परफॉर्मेंस का कैलकुलेशन दिया गया है, फैन का डिज़ाइन दिया गया है, फ्लो का कंट्रोल के बारे में बताया गया है, परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है, और उसके एनर्जी सेविंग के बारे में कैसे और उसका कैसे स्टडी दिया गया है। हम लोग आज फैन फ्रेंड इसमें क्या करेंगे, अपना जो मोटर का जो पावर है उसकी एफिशिएंसी है, और उससे जो मोटर के जो शाफ्ट दो डायरेक्ट कपल्ड होता है किससे, अपने फैन शाफ्ट से, उसमें जो पावर ट्रांसमिट होता है और फैन की जो एफिशिएंसी उसको कैलकुलेशन को देखेंगे। एक केस स्टडी है फैन। आपको जनरली एक आपको थोड़ा सा उस न्यूमेरिकल में जाने से पहले, केस स्टडी जाने से पहले आपको एक छोटा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको भी पता है फ्रेंड कि आपका जो फ्लो है डायरेक्टली स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। जब हमारा स्पीड बढ़ेगा तो फ्लो बढ़ेगा, फ्लो कम होगा तो स्पीड भी कम होगा, बट आपका जो फैन का जो स्टैटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, स्क्वायर ऑफ के बराबर होता है, ठीक है। मतलब आपका स्टैटिक प्रेशर मतलब वन टाइम बढ़ेगा तो फैन का स्पीड स्क्वायर ऑफ में बढ़ेगा, ठीक है। अब स्क्वायर ऑफ में जब आपका फैन स्पीड डाउन होगा तो अपना स्टैटिक प्रेशर भी डाउन होगा। ऐसे फ्रेंड आपको भी पता होना चाहिए कि अपना जो फैन का जो पावर है किलोवाट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के क्यूब के बराबर। एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करना है, ठीक है। फैन का न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको आपको पता होना चाहिए फ्रेंड आपका स्टैटिक प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर क्या होता है। स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, कोई भी एक चेंबर है उसमें जो होल्डिंग प्रेशर, ठीक है, आपको उसमें कोई भी फ्लो नहीं आ रहा, उसको मेजरमेंट करते हैं हम स्टैटिक प्रेशर में। जब उसमें फ्लो होता है, जब मैनोमीटर से एक डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं ट्यूब लेकर क्या करते हैं मैनोमीटर से आप क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या करेगा फ्रेंड उसमें एक फ्लो होगा, वो फ्लो आपका कंटिन्यू रहेगा, वो मैनोमीटर के होगा जाएगा तो उसमें जो फ्लो है वो डायनेमिक में आपका उसमें क्योंकि फ्लो का एक वेलोसिटी है, ठीक है, और वो दोनों को मिलाएंगे हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक प्रेशर से अपना टोटल क्या होता है प्रेशर होता है। ये आपको डायग्राम में एक एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं स्टैटिक प्लस आपका वी आपका टोटल, ठीक है। ये मैनोमीटर में एक एग्जांपल के थ्रू है क्योंकि ये आपका इतना आपको समझने वाली बात रहेगी, क्योंकि इसमें आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले ये आपको स्टैटिक और डायनेमिक प्रेशर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आपको समझ ना आए तो मैं डायग्राम से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपका अगर कमेंट्स आता है तो, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, मैं आपको इसको पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, ठीक है। इन एयर कंडीशन डक्ट पॉइंट जिसका विड्थ और डेप्थ अपना 0.5 और 0.5 है, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एयर है उसमें मेजरमेंट करते हैं एनोमीटर से 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द स्टैटिक प्रेशर एट सक्शन ऑफ द फैन इज 20 ml वाटर कॉलम एंड द डिस्चार्ज इज 30 ml वाटर कॉलम। यहाँ पर आपको दो वर्ड है फ्रेंड देखेंगे, पहला स्टैटिक प्रेशर वो 20 है और आपका डिस्चार्ज मतलब डायनेमिक प्रेशर आपका 30 है। इसलिए आपको दोनों को मिला, आपको पहले से आपको मैंने वीडियो में दिखाया था स्टैटिक प्लस डायनेमिक को दोनों को मेजर करके टोटल प्रेशर निकालते हैं। ये आपको ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में आपको हेल्प करेगा, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें आपका जो 3-phase इंडक्शन मोटर लगा है जो 10.8 amps लेता है और 415 उसका वोल्टेज है और पावर फैक्टर उस मोटर का कितना है 0.9 है, ठीक है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है एफिशिएंसी ऑफ द फैन, हमको एफिशिएंसी किसका फाइंड आउट करना है फैन का ना कि मोटर का। मोटर एफिशिएंसी अपना 90% है। इस क्वेश्चन को बड़े इजी सॉल्व किया जा सकता है फैन, आपको फैन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से पहले आपको किस क्या होना चाहिए फैन का शाफ्ट का पावर पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फैन का शाफ्ट का पावर निकालेंगे कितना मोटर के द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ही पता है कि अपना एयर फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है AV, ठीक है। AV मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपना क्या आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको ही पता है कि अपना डक्ट का साइज क्या दिया है 0.5 मीटर
मल्टीप्लाई 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.25 मीटर स्क्वायर अपना क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा। ऑलरेडी इसका वेलोसिटी मैनोमीटर से मेजरमेंट किया है तो 28 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो एयर फ्लो दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 7 मीटर को पर सेकंड। ठीक है, अपना जो मोटर है उसका पावर का फार्मूला दिया हुआ है, मोटर कितना पावर लेगा। ठीक है, उसका फार्मूला है √3 VI cos φ। ठीक है, √3 इसलिए लिया है क्योंकि 3 फेज मोटर है। ठीक है, इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो अपने को मोटर का पावर कितना आता है, 6.99 किलोवाट। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसको शॉर्ट आउट करेंगे आपको कैलकुलेटर से नहीं आएगा, मैंने इसमें डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड, आपको अब क्या करेंगे हम लोग, हमको मोटर की एफिशिएंसी पता है। ठीक है, 0.90% दिया हुआ है। ठीक है, तो मोटर का एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मोटर पावर ट्रांसमिट टू द फैन शाफ्ट डिवाइडेड बाय मोटर ड्रॉन बाय द मोटर पावर। मोटर, ठीक है, मतलब यह है कि फैन के शाफ्ट में जो पावर ट्रांसमिट हुआ है उसको डिवाइड बाय किसको करना है, मोटर का जो पावर कंज्यूम किया है। ठीक है, ये फार्मूला मैं क्या किया हूँ, नीचे लिख दिया हूँ और उसके ऊपर में अपना उसका डाटा डाला हूँ, आपको समझ आने के लिए इसको ऊपर से फिर से दोबारा लिखा हूँ, देख लेंगे। ठीक है, आपको ये पता है कि आपका मोटर का एफिशिएंसी कितना है, 90%, इसलिए 90/100 किया हूँ और मोटर का पावर पहले ही निकाले हैं कितना, 6.99। ठीक है, दोनों को शॉर्ट आउट करता हूँ तो अपना क्या है, जो मोटर फैन में क्या करेगा, फैन के शॉप में पावर ट्रांसमिट करेगा वो कितना आएगा, 6.29 किलोवाट। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, आप अपने को पता है कि फैन कपों को स्टैटिक एफिशिएंसी निकाल रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फैन एयर पावर फ्लो, मतलब फैन एयर पावर डिवाइड बाय मोटर इनपुट शॉफ्ट पावर। ठीक है, मोटर इनपुट शॉफ्ट पावर हम लोग प्रीवियसली निकाल चुके हैं, आपको ही पता है 6.29, अपनों को फैन एयर पावर निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्लो इनटू डीपी। ठीक है, अपने को आपको ही पहले बताया था कि डीपी क्या है, टोटल प्रेशर है। ठीक है, अपने को पता है कि डायनेमिक प्रेशर कितना है अपना, 30, और अपना स्टैटिक प्रेशर कितना था, 20, क्योंकि ये यहाँ पर सबको दोनों का डीपी निकालना है, तो आपको ही पता है P2 - P1 करना है, तो अपने को आउटपुट कितना है, 30 डिवाइड माइनस बाय -20 क्यों लिए हैं यहाँ पर, सबको ही पता है क्योंकि आपका निगेटिव है सक्शन हेड, इसलिए -20 लिखे हैं। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, आपस में प्लस हो जाएगा, तो +50 × 7/102 यह फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला में बस डाले हैं, बस अपना आंसर आता है 3.43 किलोवाट। ठीक है, फैन स्टैटिक एफिशिएंसी में अब क्या करेंगे, डाटा को डालेंगे, तो अपना फैन एयर पावर कितना है, 3.42, और मोटर इनपुट शॉक पावर कितना है, 6.29, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो अपने को कितना आता है, 0.5434 × 100, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 54% अप्रॉक्स आता है, या राउंड फिगर इसको 55 भी लिख देंगे। ये हमारा आंसर है, ये अपना क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, ये बहुत ईजी है फ्रेंड, बस इस तरह से इस टाइप को क्वेश्चन को आएगा तो BEE BOE में अपने को शॉर्ट आउट करना है। ठीक है, आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट्स या लाइक करेंगे फ्रेंड।